नंद नगरी गाँव में दो चुड़ैले रहती थीं, जिनका नाम मोटी और पतली चुड़ैल था। एक दिन मोटी चुड़ैल उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पतली चुड़ैल आती है और मोटी चुड़ैल से कहती है, क्या हुआ मोटू बहन, इतनी उदास और परेशान हो? पतली चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल उदास होते हुए बोलती है, अब क्या बताऊं तुम्हें बहन, मैं तो रोज भूखी ही रह जाती हूँ। ये इंसान बहुत ही चालाक हो गए हैं, तांत्रिक और बाबाओं के साथ मिलकर हमें मार डालते हैं। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल बोलती है, हाँ बहन, बात तो तुम्हारी सही है। पता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह मोटी और खाते पीते घर की थी, लेकिन इन्हीं सब बातों की वजह से मैं भी पतली हो गई हूँ। इस तरह दोनों चुड़ैलों को बातें करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। यह देख पतली चुड़ैल मोटी चुड़ैल से कहती है, अरे मोटी बहन, ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उस तरफ तो भगवान शिव का मंदिर है, चलो चलकर देखते हैं क्या माजरा है। फिर मोटी और पतली चुड़ैल मंदिर के पास एक पेड़ के ऊपर बैठकर लोगों को देखने लगती हैं। लोग मंदिर के अंदर शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करने लगते हैं। यह देखकर मोटी चुड़ैल बोलती है, हाँ, इतना सारा दूध, इतना दूध देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। काश ये दूध मुझे पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल कहती है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है बहन, मुझे 2 मिनट दो बस, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम कर देती हूँ। ऐसा कहकर पतली चुड़ैल अपने जादू से शिवलिंग के पास बाहर जाती हुई नाली में एक पाइप लगा देती है और एक बाल्टी भी रख देती है। अब जो भी दूध शिवलिंग पर चढ़ता है वो दूध पाइप के रास्ते से बाल्टी में जाने लगता है। वाह वाह वाह, पतली चुड़ैल, मैं तो तुझे पागल समझती थी, लेकिन तू तो इंजीनियर निकली, क्या मस्त जुगाड़ बनाया है। लेकिन ये सब दिमाग तेरे पास कहाँ से आया, कहीं अकेले अकेले डिस्कवरी टीवी तो नहीं देखती? मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक इंजीनियर का दिमाग खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था उसका भेजा, लगता है उसी के भेजे का असर है जो मुझे ये आइडिया आ गया। आप अभी सारी बातें छोड़ो और जाकर दूध पियो। पतली चुड़ैल के कहने पर मोटी चुड़ैल बाल्टी के पास जाती है और दूध पीने लगती है। अरे वाह, सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, मन कर रहा है पीती जाऊं, लेकिन मेरा फिगर ना खराब हो जाए इसलिए थोड़ा कम ही पीती हूँ। मोटी चुड़ैल की बातें सुनने के बाद पतली चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, मनहूस, सुबह से 20 बाल्टी दूध पी गई है और कह रही है मेरा फिगर ना खराब हो जाए। अरे तुझे देखकर तो सारे जमाने की हालत खराब हो जाती है, मनहूस मोटी। थोड़ी देर बाद मोटी चुड़ैल पतली चुड़ैल के पास आती है और डकार लेते हुए बोलती है, आज तो मजा ही आ गया, इतना सारा दूध मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही पिया है। फिर मोटी और पतली चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद तो दोनों चुड़ैलें रोज मंदिर के बाहर आती और भगवान शिव को चढ़ने वाला दूध पी जाती। एक दिन मंदिर के बाहर भांग मिला हुआ दूध रखा था। मोटी चुड़ैल दूध के पास जाती है और दूध को देखती है। अरे वाह, आज तो दूध बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों ना पी जाऊं? ऐसा कहकर मोटी चुड़ैल बाल्टी में रखा हुआ सारा दूध पी जाती है। तभी वहाँ मंदिर का पुजारी आता है और खाली बाल्टी देखकर हैरान हो जाता है। तभी मोटी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मोटी चुड़ैल को भांग का नशा चढ़ गया होता है और वो हंसते हुए कहती है, पुजारी, क्या मिलाया था इसमें, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं 7वें आसमान में हूँ।
मजा आ रहा है। मोटी चुड़ैल को देखकर पुजारी घबरा जाता और चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है। तभी पुजारी के सामने पतली चुड़ैल आ जाती है। पतली चुड़ैल को देखकर पुजारी घबरा जाता है। पुजारी, उस दूध में तूने क्या मिलाया था जिससे मोटी चुड़ैल ऐसा बर्ताव कर रही है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी वहाँ नशे में मोटी चुड़ैल गाना गाने लगती है। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, वाह मजा आ गया। कितना शक्तिवर्धक दूध है, कितनी ताकत है इस दूध में। मोटी चुड़ैल को देखकर पुजारी बोलते हैं, अरे आपकी इस मोटी चुड़ैल ने भांग मिला हुआ दूध पी लिया है। पता है जितना दूध इसने अकेले ने पिया है, इतना दूध तो 50 आदमी पीते। तुम्हारी मोटी बहन को भांग का नशा चढ़ गया है। भांग का नशा? लेकिन वो कब हटेगा इसके सर से? तब तक तो ये अपनी गंदी आवाज में गाने सुना सुना कर मेरी जान ले लेगी। तुम कुछ करो पुजारी। पतली चुड़ैल की बात सुनकर पुजारी जी बोलते हैं, देखो मुझे नहीं पता कि भांग का नशा कैसे हटाते हैं, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में अपने आप इस भांग का नशा उतर जाएगा। अब मुझे जाने दो। तू कहीं नहीं जा सकता पुजारी के बच्चे, जब तक मोटी चुड़ैल को होश नहीं आ जाता, समझे क्या? ऐसा कहकर पतली चुड़ैल पुजारी को बांधकर वहां से चली जाती है। उधर मंदिर के पुजारी के मंदिर से गायब होने की खबर आसपास के गांव तक फैल जाती है। गांव के लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं। गांव के सरपंच गुस्से में बोलते हैं, दोस्तों और भाइयों, कोई दुष्ट हमारे प्यारे पुजारी जी को मंदिर से अगवा करके ले गया है। हमें मिलकर पुजारी जी को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप सरपंच जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पुजारी जी से भी ज्यादा जरूरी है, वो भांग वाला दूध। मैं कितनी उम्मीद में था कि मैं वो मीठा दूध पीऊंगा, लेकिन लेकिन उस अगवा करने वाले ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तभी वहाँ पागल सिंह की पत्नी समझदारी आ जाती है और बोलती है, अभी यहीं झाड़ू से मार मार कर इतना पीटूंगी ना कि कई दिनों तक नशे में रहोगे। कैसा नशेड़ी आदमी है, पुजारी जी गायब है और इसको भांग की पड़ी है, नास पीटा कहीं का। पागल सिंह और समझदारी की बात पर पूरा गांव हंसने लगता है। फिर गांव वाले सरपंच जी के कहने पर पुजारी जी को ढूंढने लगते हैं, और बहुत ढूंढने पर भी पुजारी जी का पता नहीं चलता। फिर गांव वाले वापस अपने घर आ जाते हैं। उधर मोटी चुड़ैल को भांग का नशा चढ़ता ही जा रहा था और वो अनाप शनाप बोल रही थी। यह सब सुनकर पतली चुड़ैल परेशान हो जाती है। इस नासपीटी मोटी ने न जाने कौन सा दूध पी लिया है, कितना बोले जा रही है। इसकी बातें सुनकर तो मेरे कान से खून आ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे पागल कर देगी। पतली चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है और सरपंच जी के घर चली जाती है, और सरपंच जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। सरपंच जी गुस्से में घर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अपने सामने चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। सरपंच को यूं डरता देख चुड़ैल बोलती है, आप डरिए मत सरपंच जी, मेरी बहन मोटी चुड़ैल ने सारा भांग वाला दूध पी लिया है। हम दोनों बहने आपको और गाँव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बस आप मेरी बहन को ठीक करवा दीजिए। चुड़ैल को यूं रोता देख सरपंच जी बोलते हैं, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। फिर सरपंच जी अपने साथ भांग का नशा उतारने वाली औषधि लेकर पतली चुड़ैल के साथ जाते हैं और मोटी चुड़ैल को खिला देते हैं। दवा खाते ही मोटी चुड़ैल का नशा उतरने लगता है। यह देख पतली चुड़ैल बोलती है, आपने हम दोनों बहनों पर बहुत ही एहसान किया है। अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, बस आप हमें आवाज लगा देना, हम दोनों बहनें आपकी मदद के लिए आ जाएंगी। ऐसा कहकर मोटी और पतली
दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं।